आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपके साथ रिश्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों का। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। 19 जून नामांकन की आखिरी तिथि होगी। वही गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव में वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2, 3 लिखकर पसंद बताना होगा। पहली पसंद ना बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव और प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर सूबे में तमाम राजनीतिक दलों में घमासान जारी है। तो साथ ही प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के खेमे में हलचल मची हुई है। और बात करें सपा के गठबंधन रखने वाले जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से संस्थापक संजय चौहान की, तो उन्होंने एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी न बनाए जाने पर प्राइम टीवी से खास बातचीत की और अपने पार्टी में 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की भी बात कही। यूपी की राजनीति में तमाम फेरबदल लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाले जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हैं। इनसे बात करेंगे, तमाम राजनीतिक बातें होंगी और तमाम जो गठबंधन है उसके बारे में भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, सबसे पहला मेरा सवाल ये था, किस तरह से आप देखते हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ अब कई सालों से चलते आ रहे हैं, क्या इस बार भी जनवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ चलेगी? देखिए, अखिलेश यादव जी के हम सबसे पुराने एलआई साथी हैं। 2017 से मैं उनके साथ चल रहा हूं और भाजपा के खिलाफ मूवमेंट चला रहा हूं। और जिस दौर में हम अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए, उस दौर में समाजवादी पार्टी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक तरह से अछूत की स्थिति में हो गई थी। अति पिछड़े वर्ग का लोग सपा की तरफ देखना नहीं चाहता था, न कोई वोट देने के बारे में सोच रहा था। लेकिन हमने लगातार इन जातियों में चल करके, मैं अपने समाज में चल करके लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाया कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा करिए, इनके व्यक्तित्व पर भरोसा करिए, सरकार बनेगी तो हर जाति हर समाज वर्ग के लोगों को सम्मान से जीने का हक मिलेगा। 2019 के लोकसभा का चुनाव भी मैं इनके साथ मिलकर के लड़ा, चंदौली से मैं चुनाव लगभग जीत भी गया था। समाजवादी पार्टी के एक कुछ बड़े नेताओं द्वारा मेरे साथ दगाबाजी की गई, मैं 5-7 हज़ार वोट से चुनाव हार गया। इसके बावजूद भी मैं लगातार 2022 के लिए कंपेन करता रहा, चलता रहा। 2022 के चुनाव आने के बाद पहले मुझसे ये कहा गया कि आपको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, सरकार बनेगी आपको एडजस्ट किया जाएगा, नहीं भी बनेगी तो भी एमएलसी या राज्यसभा बना दिया जाएगा। आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, समाज को जोड़े हैं, माहौल पार्टी का खड़ा किए हैं, आप सिर्फ पार्टी को जिताने पर फोकस करिए। और ये बात सिर्फ मुझसे नहीं कहा गया बल्कि हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के फोरम पर भी समाजवादी पार्टी द्वारा कहा गया कि आपको संजय चौहान के ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज जब एमएलसी चुनाव की बारी आई तो मेरा चयन न करके अखिलेश यादव जी ने जनवादी पार्टी के सारे पदाधिकारियों को निराश किया है, हताश किया है और पदाधिकारी आक्रोश में हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे भी इस बात का दुख है। अगर ये बात सिर्फ मुझसे कही गई होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ये बात पार्टी के फोरम पर कही गई, पदाधिकारियों से कही गई तो सारे पदाधिकारी आश्वस्त थे। और अखिलेश यादव जी ने जो फैसला किया, आने वाले 2024 के चुनाव में अगर हम भाजपा से अत्यंत पिछड़े जातियों को नहीं हटा पाए या हम अपने साथ मजबूती से नहीं जोड़ पाए तो 2024 का चुनाव हम लड़ेंगे कैसे भाजपा के खिलाफ? और 2024 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव जी ने कोई संदेश नहीं दे पाया कि हम अपने सहयोगी दलों को भी मजबूती से साथ लेकर के चलना चाहते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग की जातियों को भी हम सम्मान देना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर, केशवदेव मौर्या और जो भी सहयोगी दल गठबंधन के थे,
विधानसभा के चुनाव में अखिलेश जी ने सबको पर्याप्त सीट दिया। अगर ओम प्रकाश नाराज हो जाते हैं तो उनके नाराज होने का कोई कारण नहीं बनता है। महान दल के केशवदेव मौर्य नाराज होकर के चले जा रहे हैं तो उनके नाराजगी का कोई कारण नहीं बनता। उनके पत्नी उनके बेटे दोनों को चुनाव अखिलेश यादव जी ने लड़ाया। मैंने तो न खुद चुनाव लड़ा न अपने किसी परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, और हमारे जितने साथी चुनाव लड़ने वाले थे उनको भी टिकट नहीं दिया गया। कुछ हमारे दो साथियों को मात्र टिकट दिया गया, उसके बावजूद भी मैंने अखिलेश यादव के सामने कोई समस्या नहीं खड़ा किया। मैंने कभी उनको परेशानी में नहीं डाला, और यह सोच करके कि वक्त है इकट्ठा होकर के भाजपा से लड़ने का, उसमें अगर हम ही समस्या बनेंगे तो फिर हम भाजपा से कैसे लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि जनवादी पार्टी लगातार साथ देते आ रही है, और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी समाजवादी पार्टी से थोड़ा सा पल्ला झाड़ रही है, या फिर उसके दरकिनार करके जनवादी पार्टी किसी और पार्टी का साथ पकड़ेगी? देखिए, कोई भी निर्णय मैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक के बाद ही लूँगा। मैं पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाऊँगा, उसके बाद तय करूँगा। अखिलेश यादव जी से भी बात करूँगा और उनसे इस बात को पूछूँगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, या फिर अखिलेश यादव जी से मैं पूछूँगा कि आप बताएं कि अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को बिना जोड़े आप 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या सिर्फ यादव और मुसलमान ही पर्याप्त हैं भाजपा को हराने के लिए? क्या और जातियों को साथ लेकर के चलने की नहीं जरूरत है? क्या यह गठबंधन की आपको जरूरत नहीं है? मैं उनसे इन विषयों पर बात करने के बाद ही कोई फैसला करूंगा। संजय जी, पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या लगता है कि 2024 काफी चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप भी नाराज हैं, कहीं ना कहीं आपको भी नाराजगी है समाजवादी पार्टी से, वहीं राजभर जी हैं, उधर केशव जी हैं, तमाम जो गठबंधन दल हैं वो सपा से कहीं ना कहीं हल्का फुल्का नाराज है या फिर दूरियां बना रहे, तो क्या लगता है कि 2024 काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ 2024 में जहां पूरी जनता हमारे साथ खड़ी होकर के चुनाव लड़ रही थी, हम 2022 का चुनाव हार गए और भाजपा सरकार बना ली। 2024 में तो हमें मोदी जी के फेस से डायरेक्ट लड़ना है, और ऐसे में हम अगर अपने जाति समीकरण को मजबूत नहीं किए, हम अपनी सोशल इंजीनियरिंग को ठीक नहीं किए, तो हम भाजपा से कैसे लड़ेंगे? और अखिलेश यादव जी इन सारे विषयों पर फेल होते जा रहे हैं, और अगर यही स्थिति रहेगी तो 2024 का चुनाव हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, और इस पर अखिलेश यादव जी को गंभीरता से बैठना पड़ेगा और उनके निर्णयों से लोगों को संदेश देना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि समूचा पिछड़ा दलित इकट्ठा हो और समूचे पिछड़े दलित वर्ग के लोगों का सम्मान हमारे नेतृत्व में सुरक्षित है। टिकटों को लेकर और तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर अगर समीकरण नहीं बैठता है आप लोगों के बीच, तो क्या फिर क्या विकल्प आप अपनाएंगे आगे? देखिए, फिलहाल हमारा पूरा ध्येय हमें अपने पार्टी के संगठन पर मजबूत करने का है। हम जितना मजबूत उत्तर प्रदेश में, इससे ज़्यादा मजबूत बिहार में है। हम विगत चुनावों में बिहार में 1.78% वोट हमारी पार्टी पा चुकी है। हम बिहार के चुनावों में 24 का जो चुनाव है, हम यूपी और बिहार दोनों के परिप्रेक्ष्य में मजबूती से संगठन को खड़ा कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो स्थितियां हमारे पार्टी के, हमारे समाज के, हमारे वर्ग के लोगों के हक में बेहतर होगी, उस पर फैसला करेंगे। जनवादी पार्टी, क्या लगता है कि 2024 में क्या आपको लगता है कि केवल भाजपा ही कड़ी टक्कर दे सकती है, या फिर कोई अन्य दल भी या कोई अन्य पार्टी? फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा के अगेंस्ट समाजवादी पार्टी लड़ती दिख रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी के निर्णयों से ये कड़ी भी कमजोर होती जा रही है, और ये गंभीर विषय है, ये सोचने का विषय है, और ये मेरे से ज़्यादा अखिलेश जी को इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो फिर तो भाजपा के खिलाफ कोई होगा ही नहीं। सारे लोग भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सपा के बाद क्या लगता है, कांग्रेस का दामन थामेंगे आप? भी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अभी मैं बताया कि पार्टी पदाधिकारियों से भी बात करूंगा, अखिलेश जी से भी बात करूंगा, और उसके बाद तय करूंगा कि मुझे समीकरण नहीं बैठता है। संजय जी, तो क्या लगता है आपको? चुनाव अभी लंबा है, 2024 का चुनाव अभी 2 साल बाकी है। अभी इतनी जल्दबाजी में मैं कोई निर्णय नहीं लेता हूं। अभी तो मेरा पूरा फोकस अपनी पार्टी पर है,
अपने पार्टी के संगठन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ थे और हमेशा रहेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूपी की खबर वाराणसी से है, जहां दशहरा पर संत समिति ने 80 घाट पर गंगा पूजा की परंपरा निभाई और मां गंगा से विश्व में शांति की कामना की। वहीं साधु संतों ने पूजा अर्चना साथ साथ आदि विशेश्वर की मुक्ति की कामना की और कहा मां गंगा की आदि विशेश्वर की मुक्ति कराएंगे। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से उतर करके स्वर्ग से धराधाम पर पधारी थी और 10 प्रकार के पापों से मुक्ति आज माँ गंगा सबको देती है और मुक्ति का मार्ग है माँ गंगा। तो आज के पूजन सब संत, हम कोरोना के समय 2 साल में नहीं आए, अन्यथा प्रतिवर्ष सभी संप्रदायों के काशी के संत यहाँ आते हैं। पूरे देश दुनिया के सनातनी जो गंगा को अपनी माँ मानते हैं उनके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर पूज्य संतों के सानिध्य में दंडी स्वामी स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती जी महाराज महामंत्री संत समिति के और समस्त काशी के श्री वैष्णव दंडी स्वामी मिलकर के आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा मैया की अर्चन पूजन वंदन किया गया है और गंगा मैया से प्रार्थना किया गया कि जीव सभी समस्त लोगों को शांति प्रदान करें और बाबा विश्वनाथ जी को हम। खबर फरीदाबाद से है, जहां डबुआ कॉलोनी में पिछले कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते डबुआ कॉलोनी के लोग बेहद परेशान हैं। इस समस्या से परेशान होकर लोगों ने नगर निगम मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि अब से पहले कई बार इस समस्या को लेकर वो नगर निगम अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर अधिकारी समस्या से निजात नहीं दिला पाते हैं तो कॉलोनी के सभी लोग इकट्ठा होकर नगर निगम मुख्यालय पर बड़े पैमाने का घेराव करेंगे। एक बहुत बड़े एरिया के अंदर पानी नहीं आ रहा है डबुआ कॉलोनी के अंदर। 15 मार्च होली से 2 दिन पहले का पानी गया है, सिर्फ जब बारिश हुई है 1 दिन पानी आया है 15 मार्च के बाद में। आप सोच सकते हैं कि जहां शहर के अंदर 1 घंटा अगर पानी ना आए या 1 दिन पानी ना आए, अगर 3 महीने पानी नहीं आएगा तो क्या हाल होंगे भाई। हमने सब जगह हमने पानी की बुहार लगाई, हमको सब दिलासा देते हैं के पानी आपका 2 महीना में 1 महीना में, हमको आज के महीना हो गए पानी के 10-10 ठोपर खा रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। हर एक जगह हम टेम्पू में पैसे लगाते हैं, खुद लगा के माजरे पूरे दिन डोलते हैं, फिर शाम को भैया हारे थके गंदा पानी, बहू बेटी घर में कहां कहां के पानी लाकर जब नहा धोकर उस गंदे पानी से काम चला रहे हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रतला के गांव मचकर के पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। शव को प्लास्टिक के कट्टे में बंद करके खाली पड़े जंगल में फेंक दिया। मामले की सूचना मिलते ही पूरी टीम पुलिस के एक साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद मृतक की पहचान किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मृतक मेरा बेटा समझ लो जी, मेरा बेटे बेटे रहता था, सारा काम मेरा उसी ने संभाला था। और 5 तारीख को शाम को 7:30 बजे घर से खाना खा के निकला है। इसके बाद आज हमें दर्शन हुए, इसके लिए इससे पहले कुछ बात न पुलिस से न किसी से हमें पता करता है। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां गंगा स्नान करने जा रहे एक युवक को दबंगों ने दिन दहाड़े गोली मार दी, जिसके बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं गंगा जी जा रहा था, सुबह नहा गया, हाँ नहाने जा रहा था। अच्छा, तो कभी माँ चावल हो गई, मैं गंगा जी नहा रहा था और जो लोग आए तमंचा लेके इन्होंने मेरे पास सीधे फायर मार दिए। कौन लोग थे? गोलू अमन 2-4 लोग और थे। आज वो माँ चावल होने के बाद उन्हें गंगा जी हराने पे गोली मार दी। किस घाट पे गए थे? भैरव घाट। अच्छा, किस बात को लेके पहले विवाद हुआ था? ऐसे ही रास्ते चलते हुए। अच्छा, रास्ते को लेकर ऐसे ही मिला। अच्छा, तो ये जमीन का कोई रास्ते का विवाद? कोई विवाद नहीं था। अच्छा, तो किन लोगों ने गोली मारी है? सुभाष के लड़के। अच्छा, कोई नाम वगैरह किसी पता है आपको? नाम पूरे डिटेल में। अच्छा अच्छा,
तो जान पहचान के कहाँ के रहने वाले हैं? बोलो। गड़ू मड़ाई माधोपुर थाना हमारे क्षेत्र का युवक है सुमित, जो कि गंगा नहाने के लिए भैरव घाट पे गया हुआ था। नहाने के दौरान वहाँ पे कुछ युवक थे, उनसे कुछ रास्ते से निकलने के लिए कुछ वाद विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई और जैसा कि युवक ने बताया उसमें इसी एक युवक ने उसको गोली मार दी। उसकी जाँच की जा रही है और उनकी तहरीर में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो मजरूब है उसको प्राथमिक उपचार के बाद उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। माधोपुर के सुमित हैं, ये भैरव घाट एक स्थान है गंगा जी के किनारे, वहाँ पे ये गए हुए थे। इनका एक ठट्ठा के मड़ैया के कुछ लोग हैं जिनसे कुछ विवाद बताया गया, उसके क्रम में विवाद के ही क्रम में। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना दादो क्षेत्र के सांकरा गंगा घाट पर बदायूं से गंगा स्नान को आए पांच युवक गंगा में डूब गए, जिसके बाद पुलिस ने गंगा में नाव से युवकों की तलाश शुरू की और दो युवकों के शव बरामद किए, जिनको इलाज के लिए छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वही पुलिस गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे तीन युवकों की तलाश कर रही है। ये गंगा घाट पे कैरई सरई और थाना नजीब नगर के बदायूं के रहने वाले लोग थे। इसमें पांच लोग जो डूबे थे, जिसमें ये पता चला है कि दो लोग जो है वो निकाल लिए गए हैं, एक लोग अभी लापता है। दो लोग को लेकर हमारे पास पुलिस यहां पे आई थी, जो कि मृतावस्था में ही ले गए। खबर गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र के खरगुपुर डीगुर गांव का है, जहां फकीरों के साथ अभद्रता की गई और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। साथ ही नारों के साथ फकीरों से उठक बैठक भी कराया गया और दोबारा गांव में न घुसने की धमकी दी गई। मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तीन व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में हैं और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये तीन व्यक्ति खरगुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगुपुर डिंगुर में ये गए थे। वहां के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई, तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगुपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए। खबर बिजनौर से है, जहां आगामी त्योहार और होने वाली जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। उसी के चलते पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने थाना पुलिस को साथ लेकर संवेदनशील इलाकों में फुट पेट्रोलिंग कर ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं सीओ ने बताया कि शहर के जितने भी संवेदनशील और आबादी वाले क्षेत्र हैं, उन इलाकों में ड्रोन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। वीडियो फुटेज में अगर कोई असंगत वस्तु मिलती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। आगामी मंथ में आने वाले त्योहार तथा कल जुमा की नमाज के संबंध में थाना पुलिस द्वारा लगातार फूड पेट्रोलिंग की जा रही। आज नियमित रूप से फूड पेट्रोलिंग की गई और बिजनौर शहर के जितने भी संवेदन और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां ड्रोन द्वारा भी निगरानी की गई, जिससे कि अराजक तत्वों में सख्त माहौल, सख्त कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया तथा जितने भी संभ्रांत लोग हैं उनके प्रति एक सकारात्मक। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में एक अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है, जहाँ वाहन चोर गाड़ियों को चुराने के लिए उन्हें दो टो करके ले जाते हैं। दरअसल चोरी के मिशन को अंजाम देने के लिए ये चोर गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी या ट्रैक्टर की मदद से टो करके ले जाते हैं और बड़ी चतुराई से कारों को ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों से चोरी कर लेते हैं। वही ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मेरा नाम मोहित कुमार है। क्या कुछ घटना हुई आपके साथ? मेरी एक ऑल्टो गाड़ी थी जो मेरे घर के बाहर खड़ी थी और रात में कोई स्विफ्ट गाड़ी उसको खींचती लिखती जा रही है, कैमरे में दिख रही है साहब। ये घटना है 17 की रात को 18 मॉर्निंग में सुबह 4 बजे की, जो सीसीटीवी में कैद है और मैंने एफआईआर लिखी हुई है विजयनगर थाने में। ये नीलम धर्म कांटे के पास की बात है। देखिए, पिछले दिनों थाना विजयनगर में कुछ गाड़ी चोरी, वाहन चोरियों की घटना हमारे सामने आई है। इसमें कुछ पर्टिकुलर गैंग्स हो सकता है काम कर रहे हो। इसको तुरंत ही संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने इसमें टीमें गठित कर दी हैं। हम लोग की एसओजी और जो क्राइम टीम है इस पर काम कर रही है।
इसको जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने घटनाओं को रोकने के लिए जो इंपॉर्टेंट रस्ते हैं जहाँ पे ये गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ से निकलते हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे फिक्स पिकेट्स लगा दिए गए ताकि इन घटनाओं में गिरावट आए और जल्दी इसमें हम लोग इन गाड़ियों की बरामद करके इस घटना सफल अनावरण होगा। खबर देवरिया से है जहां के आरएन हॉस्पिटल के प्रबंधक की जमकर पिटाई हुई, जिसके बाद दबंग शराब की बोतल लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद आरएन हॉस्पिटल के प्रबंधक नागेंद्र यादव ने बताया कि मैं कोतवाली के सामने न्याय की गुहार लगाता रहा लेकिन कोतवाली मेरी सुनना तो दूर उल्टे ही मुझ पर बरस पड़ते थे। इसका नतीजा सामने आया है, हमें और हमारे भाई को जान से मारने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद दबंगों ने हमारे घरों पर भी तोड़फोड़ किया और हॉस्पिटल के कर्मचारी के साथ अभद्रता की। खराब न देवरिया के शुभम मणि और उनके पिताजी ओम प्रकाश मणि और सुनील मणि तीनों लोग मिल के उनके पुत्र शुभम मणि जो है पी के आता है, रंगदारी मांगता है, रंगदारी नहीं देते हैं, तो उस दिन वीडियो बना हमारे हॉस्पिटल में आके स्टाफों के साथ छेड़खानी किया, स्टाफों के साथ बदतमीजी किया, उसके साथ साथ हमसे भी। और दिल्ली से सटे बॉर्डर जिलों में शराब की मांग में भारी कमी देखने को हुई, आबकारी विभाग के राजस्व में भी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद आबकारी विभाग एक्शन में आया और दिल्ली से गाजियाबाद शराब लाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। वहीं दिल्ली से शराब लाते हुए पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज कर वाहन को भी सीज किया जा रहा है। दिल्ली से शराब की तस्करी रोकने के लिए दो तो हमने परमानेंट चेक पोस्ट बना रखा है, एक ट्रांसपोर्ट नगर में और एक भोपुरा पे, जहाँ जो है 24 घंटे जो है आपका निरीक्षक और सिपाही जो है वहाँ पे रोड चेकिंग करते हैं। इसके अलावा जो है करावल नगर में, लोनी साइड में, फिर एडीएम माल के पास या खोड़ा में, यहाँ पे भी रोड चेकिंग होती है देर रात तक, और जो भी वहाँ से शराब ले कर आते हैं अगर पकड़े जा रहे हैं तो उनको जेल भेजा जा रहा है, और अगर वाहन है तो वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। खबर फर्रुखाबाद से है जहां गंगा स्नान करने आए युवक की डूबकर मौत हो गई, घंटों बाद गोताखोरों की मदद से मृतक युवक के शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें सारा मामला फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के पंचाल घाट गंगा तट का है। नहाते समय डूब गए दो लोग थे। कितने बजे करीब डूबे होंगे? लगभग 7 बजे करीब डूबे। तब से आप खोज ही रहे थे? 7:30 बजे करीब अभी बॉडी मिली है। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा गांव है? हमीरपुर। अब तक की खास खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।